साइकिलिंग में बड़ी शौक से करता था, स्विमिंग करता था। देसी में जो हमारी बड़ी ट्रेडिशनल सेवियां होती हैं दूध के बगैर वाली, अच्छा ड्राई जर्दे वाली, सो कहता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट मलिक साहब, आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके मानने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस ईद पर स्पेशल मैसेज क्या है उनके लिए? मेरा उनके लिए सिर्फ एक बड़ा सिंपल मैसेज है जो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, yes. कि मैं इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो, मैं आपके दरमियान मौजूद था, हूँ और रहूँगा, और मेरे दरवाजे हर वक्त खुले, मैं हाजिर हूँ, कोई काम हो आपका, कोई मसला, कोई इशू, मैं रहूँगा। आपके सामने काफ़ी उम्मीदवार आए थे, अब उनको आप देख लें, वो कहीं आपको मिलेंगे, जिस तरह मैंने कहा था, मेरी बात आपको सामने आ गई। मलिक साहब हमेशा कहते थे कि किसी ने अगर आपसे बुरा किया ना, आप अपनी नीयत ठीक रखो, अल्लाह उस चीज़ का आपको सलाह देगा, किसी से कोई बदला नहीं लेना। तो मलिक साहब ने मुझे टाइम दिया इस व्लॉग के लिए, तो मलिक साहब बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए। अहमद आप किधर हो? अहमद प्लीज कम फॉरवर्ड, इधर आ जाओ। अहमद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल कदीर अहमद और आज ईद का तीसरा रोज है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप पर्सनैलिटी, ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी है जिनसे मिलने के लिए हर कोई बेताब रहता है। साबिक स्टेट मिनिस्टर हैं हमारे साथ इस बड़े दिन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मलिक गुलाम मोहम्मद रजा रबानी खर साहब, सो वेलकम टू यू। मैं आपको पहले तो वेलकम करूंगा अपने व्लॉग में। आपके हल्के की गयूर आवाम की तरफ से आपको ईद मुबारक। मैं सुबह से मलिक साहब के साथ हूँ, आवाम का इतना जमे गफीर है, लोगों का इतना ज्यादा प्यार है, मलिक साहब कैसे मैनेज करते हैं आप इतना ज्यादा प्यार लोगों का? सबसे पहले देखें जी, ये हमने मैनेज किया करना होता है, लोगों का प्यार है कि वो दूर दूर से कोई कहीं से तशरीफ लेके आते हैं, तो उनकी मोहब्बत है, तो अल्लाह की तरफ से मैनेज होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर किसी को पूरा टाइम दें और पूरी पूरी इज्जत दें ताकि उनको फील हो कि अगर आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट मिली है और उनका ख्याल भी किया गया। मलिक साहब मुझे ये बताएगा, जो ईद का पहला दिन था, तो पहले दिन नमाज ईद अदा करने के बाद आपकी मसरूफियात क्या रही है, वो जरा सा शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ईद की नमाज पढ़ी और ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही देर पे आके बैठ के, ठीक है, दोस्तों का रश अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया और रात को 10 बजे तक देर पे मौजूद रहे हमारे। तो ईद मैं तो इलेक्शन कैंपेन में कहता था और अभी भी कहता हूँ कि मेरी हम लोगों के दरमियान है, कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। और हम पिछली ईद भी थे, इसी भी हैं और हम लोगों के दरमियान हमारी गुजरती थी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, हमारे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, ईद एक बहुत बड़ा दिन होता है, बड़ा यौम होता है, इस बड़े दिन पर सबसे ज्यादा आपको किन की याद आई, किन्हें मिस कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है मलिक गुलाम मनी खर साहब, अपने वाले साहब को मिस करते हैं, हर ईद पे बिल्कुल उनका बड़े हैं, वो होते थे साथ बैठे होते थे, तो कोई याद करते हैं सबसे। एग्जैक्टली। अच्छा बाबा की कोई एक नसीहत, कोई एडवाइस जो मलिक साहब आप लोगों में शेयर करना चाहें, आज बताना चाहें? मलिक साहब हमेशा कहते थे कि किसी ने अगर आपसे बुरा किया ना, आप अपनी नियत ठीक रखो, अल्लाह उस चीज़ का आपको सलाह देगा, किसी से कोई बदला नहीं लेना। क्या बात है, जबरदस्त। किसी से कभी इंतकामी सियासत नहीं करनी। जबरदस्त, दैट्स द मैसेज कि कभी किसी से भी बदला नहीं लेना, बस लोगों की खिदमतें कल करनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताएगा कि सियासत में अपना उस्ताद किसे मानते हैं आप? एक मंजे हुए सियासतदान हैं आप भी, लेकिन आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद मेरे वाले साहब। वाओ वंडरफुल, तो बाबा से सिखाया उन्होंने कि जब काम करना है लोगों की सच्ची नियत से काम करना है, एग्जैक्टली लोगों की खिदमत करनी है, बिल्कुल, और वो काम करना है जो जायज काम हो, नाजायज नहीं करना, बेशक अपना करीबी से करीबी आपका दोस्त भी क्यों ना, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब ये बताइएगा मुझे कि साउथ पंजाब में आप एक बहुत बड़ा प्यार मिला है आपकी फैमिली को, आपके खानदान को, हिना बीबी के साथ बहुत ज्यादा लोगों की एक एफिलिएशन है और उनको भी अल्लाह ताला ने इज्जत इंटरनेशनल लेवल की दी है। अगर कहें साबिक वजीर खारजा, तो उनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त आई सियासत में जब मलिक साहब ने कंटेस्ट नहीं किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपना कोई फेक या गलत काम नहीं करूंगा, बिल्कुल, और उसके बाद से देखिए आज तक का सफर है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कहें कि हमारा पूरे खानदान का और पूरे इलाके का नाम फख्र से रोशन किया, बेशक कोई डाउट नहीं, और जहाँ भी वो गई हैं उन्होंने बड़ी इज्जत और एहतराम और तरीके से अपना ये काम किया है और पूरे इलाके का एक नाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में उन्होंने उजागर किया। अच्छा मैं रैपिड फायर की तरफ आना चाहूंगा और मलिक साहब से उनकी कुछ पसंदीदा चीजें सियासी जिंदगी से हट के जो उनकी एक जाती लाइफ है उसकी तरफ मैं आना चाहूंगा। मलिक साहब आपको हर कलर सूट करता है आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे जी मेनली ब्लैक एंड वाइट। खाने में आपको मीठे में कोई दो डिशेस जो ज्यादा पसंद हो वो बताइएगा। मीठे
मीठे में जी, मीठा मैं कोई खास वैसे ज्यादा शौकीन हूँ नहीं मीठे का, ठीक है, लेकिन अगर मीठा खाना हो तो उसमें देसी में जो हमारी बड़ी ट्रेडिशनल सेवियां होती हैं दूध के बगैर वाली, अच्छा ड्राई तो जर्दे वाली जो कहते हैं, क्या बात है, खाता हूँ जी, पसंदीदा आपकी, ठीक है। अच्छा नमकीन में फिर आपको क्या पसंद है? नमकीन में जी मटन में जो हमारी डिशेज होती है ना, बलूची सीजी टाइप होगी, क्या बात है, और दम पुफ टाइप होगी इस तरह की। कभी आपने मसरूफियत में अपनी कभी कोई सॉन्ग गुनगुनाया है, गाना गुनगुनाया है कभी? इतना कभी टाइम ही नहीं मिला, टाइम मिला और ना कभी गानों का शौक रहा, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अलावा अदर देन पाकिस्तान आपको फैमिली के साथ कहीं जाने का छुट्टियों में टाइम मिले, वरना तो आपके 365 दिन बिजी हैं, तो किस कंट्री का इंतखाब करेंगे विद फैमिली? अल्लाह के घर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी देना, सलाम पेश करना, बिल्कुल वहाँ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता, बेशक जो नींद वहाँ आती है वो कहीं नहीं आ सकती, बेशक बेशक बेशक। वहाँ सबसे पहले एक नहीं कहूँगा, दो तीन कंट्रीज है, हाँ प्लीज बताइए। बिकॉज मैं अपनी एजुकेशन मैंने यूके में की थी, डेफिनेटली, तो फिर वहाँ जाने का, वापस लंदन जाने का जो है वो दिल चाहता है, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त ही बहुत हैं, वहाँ एक जिंदगी का हिस्सा गुजरा है, तो वहाँ भी एक होमली फीलिंग आती है, दोस्त जा रहे हैं तो वहाँ मिलता है। और फिर यूरोप के इटली और पेरिस। अच्छा सर, फिजिकल एक्टिविटी को लेके आपको कोई गेम्स पसंद हो और आप वो खेलते भी हो फिजिकल? एक वक्त था जी बड़ी गेम्स खेलते थे, सुबह शाम साइकिलिंग ही करते थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस जिंदगी में आए हैं प्रोफेशनली वो टाइम निकालना पड़ता है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो दोस्तों की इतनी मोहब्बतें होती हैं जो हर वक्त कोई ना कोई आज काम होता है निकल सकता है। साइकिलिंग में बड़ी शौक से करता था, स्विमिंग करता था, और अब साइकिलिंग में शुरू करो इंशाल्लाह। टेनिस अब इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू करेंगे। अच्छा मलिक साहब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, मलिक साहब आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके मानने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस ईद पर स्पेशल मैसेज क्या उनके लिए? मेरा उनके लिए सिर्फ एक बड़ा सिंपल मैसेज है, जो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, yes. कि मैं इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो, मैं आपके दरमियान मौजूद था, हूँ और रहूँगा, और मेरे दरवाजे हर वक्त खुले, मैं हाजिर हूँ, कोई काम हो आपका, कोई मसला, कोई इशू, मैं रहूँगा। आपके सामने काफ़ी उम्मीदवार आए थे, अब उनको आप देख लें, वो कहीं आपको मिलेंगे, जिस तरह मैंने कहा था, मेरी बात आपको सामने आ गई। असलान भाई, आप मलिक साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत प्यारे दोस्त हैं मलिक साहब के, आई ऑब्जर्व दिस। कदीर भाई, मेरे तो मलिक साहब वैसे भी बड़े भाई, दोस्त और लीडर हैं। बिल्कुल, आपने भी सारा दिन यहीं पे गुजारा है, बिल्कुल, आवाम की मोहब्बत, आवाम का जो जज्बा आपने देखा है, किस तरह वो मलिक साहब के साथ थे, बहुत। और मैं एक मैसेज अपनी आवाम को भी देना चाहता हूँ, जिस तरह आपने देखा है आज ईद का दिन मलिक साहब ने अपनी आवाम के साथ गुजारा है, एग्जैक्टली ऐसे ही जो करंट MNA MPs बने हैं वो इवन अपने हलके में भी नहीं थे, और हम इलाके में आवाम को हम देख रहे हैं किस तरह वो दुख में और सारे काम उनके जो नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अरसलान भाई तो अपने ख्याल का इजहार करते हैं, दैट्स द रियलिटी। ईद का इतना बड़ा दिन जहां फैमिली को टाइम देना, जहां पब्लिक को टाइम देना, और लोगों का प्यार सारे मलिक साहब के पास, और मलिक साहब ने मुझे टाइम दिया इस व्लॉग के लिए, तो मलिक साहब बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए। अहमद आप किधर हो? अहमद प्लीज कम फॉरवर्ड, इधर आ जाओ। अहमद अस्सलाम वालेकुम। अहमद कैसे हो आप? अहमद क्या कहना चाहोगे आप आज के व्लॉग में, कोई भी मैसेज आपकी तरफ से, कुछ भी आ जाए माइंड में, चलो लोगों के लिए क्या कहोगे अहमद आप? ईद मुबारक भी बोले ना यार, ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी अहमद? कुछ खाया पिया हो आपने? क्या खाया पिया आज? सारा कुछ तो खा लिया है, नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, डाइटिंग वाइटिंग पे हो। इट्स ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार मलिक साहबान के लिए, और ये स्पेशल डे स्पेशल ब्लॉग हमारे स्पेशल MNA के नाम मलिक मोहम्मद रजा रबानी का। विश यू ऑल द बेस्ट सर।